मोदी की सरकार से हम बहुत खुश हैं। मोदी जी नहीं है तो समझ लो देश नहीं है। बहुत खुश हैं उनके काम से। अच्छा करा क्या 70 साल में राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने करा का खा गई देश को। मोदी से खुश है, सनातन धर्म बचा के रखा हुआ हमारे। ग्वालियर के एक मार्केट में जानते हैं यहाँ के लोकल दुकानदारों से कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है, क्योंकि ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में लंबे समय से बीजेपी के बहुत बड़ा गढ़ रहा है और यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के फैमिली का दबदबा रहा, तकरीबन 7 बार यहाँ से जीते हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है इस बार माहौल? ठीक ठाक है, चल जाए। इधर शहर में कुछ है, ग्रामीण में कुछ है, जी चल जाए। ग्रामीण में भारत सिंह कुशवाहा, शहर में पाठक जी हैं। पाठक जी यार, ग्रामीण में कुशवाहा जी, उन्हीं का चल जाए जोर। मोदी जी के काम से खुश हैं? नहीं, मोदी जी से खुश है, कुशवाहा जी से खुश नहीं है। कुशवाहा जी से खुश नहीं है? पहले विधानसभा आ रहे हैं, जो भी विधानसभा आ रहे हैं, इनकी कुछ कमी रही, उनकी कुछ कमी रही, इसलिए उनको लोकसभा टिकट दे दिया। मोदी जी की इच्छा है कि किसको लाना किसको नहीं लाना, वो उनको जानते हैं। जैसे शिवराज जी बहुत अच्छे थे, वहाँ कुशवाहा जी यादव भी आ गए, मालूम थोड़ी थी किसी को। क्या लग रहा है इस बार बाजी बदलेगा? हाँ, बाजी बदलेगा। जनता रोजाना किस साथ पहुँचा कोई भरोसा नहीं है। अभी 2025 में पता पड़ेगी। 2024 में लेकिन क्या है अभी फिलहाल? 2024 में कुछ नहीं कह सकते अभी, कुछ नहीं कह सकते। नहीं सही। क्या नाम हुआ आपका? श्याम गोयल। आप भी दुकानदारी करते हैं यहाँ पे? हाँ भैया, अभी तो फिलहाल तो दुकानदारी कर रहे हैं, बस रिटायरमेंट की तरफ है, बस कुछ टाइम बाद रिटायरमेंट लेंगे। क्या लग रहा है माहौल इस बार पॉलिटिकल इधर? हमारा दिल तो ये कहता है प्रवीण पाठक जीतेगा। प्रवीण पाठक? हाँ, हमारा दिल जो कहता है, बाकी हम किसी राजनीति से जुड़े नहीं हैं, केवल सिर्फ अपनी दिल की बात सुनते हैं। मोदी जी काम से खुश हैं आप लोग? सबके काम से खुश हैं, जो आता है वो अपना अपना काम करता ही है। मोदी जी का 22 तारीख का प्रोग्राम जो उन्होंने किया था जनवरी का, उससे बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। आप चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? कोई भी बने, लेकिन हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं। लोकल आप चाहते हैं प्रवीण पाठक जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, वो यहाँ से जीते? नहीं, हम ये नहीं चाहते वो जीते, लेकिन वो जीत रहे हैं ऐसा हमको प्रतीत होता है अपने दिल की आवाज़। क्या लग रहा है इस बार ग्वालियर में? ग्वालियर बदलाव की लहर है, ग्वालियर मुरैना दोनों बदलाव की लहर है। युवा प्रत्याशी है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, कर्मठ है, लगनशील है, अच्छा बोलने पर वक्ता है, जो ग्वालियर के मुद्दों को संसद भर में उठा सकता है। 57 साल बाद ग्वालियर का महापौर बदला, इस बार 20 साल बाद ग्वालियर का सांसद बदलेगा जी। नहीं, हम पाठक जी के पक्ष में इसलिए क्योंकि उन्होंने एक अच्छा सामने वाला जो मुद्दा उठा सके। कुशवाहा जी इतना प्रशिक्षित नहीं है, इतना बोलने पर प्रवक्ता नहीं है, वो युवा है, प्रत्याशी लगनशील कर्मठ है, जनता के बीच में रहने वाला प्रत्याशी है। क्या लग रहा है इस बार पॉलिटिकल माहौल? कोई भी जीते, अपनों को कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, मोदी जी काम से खुश हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, मोदी जी काम से खुश? बिल्कुल बिल्कुल। वोट डालने क्यों नहीं जाएंगे फिर? देखेंगे, समय मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो जय श्री राम। मोदी जी काम से खुश हैं आप? हाँ। मेरा नाम फिरोज खान है साहब। क्या करते हैं आप? कुकर वगैरह? मैं छोटा मोटा दुकानदार हूँ, कुकर सही करता हूँ, गैस सही करता हूँ। किसकी सीटी लगेगी इस बार ग्वालियर में? हाँ देखो सब, किसकी सीटी लग सकती है वो तो जनता ही बता सकती है किसकी सीटी लगेगी। क्या लग रहा है अभी ग्वालियर में? मार्केट में रहते हैं ग्वालियर में साहब, सभी की है। मोदी जी काम से खुश हैं? मोदी जी के काम से खुश भी है, नहीं भी है। हाँ नहीं, लोकल लेवल पे ही? हाँ लोकल लेवल पे ही है। लोकल लेवल पे खुश नहीं है? नहीं। ऊपर लेवल पे भी खुश हैं और नहीं भी है, वही तो सस्ता ही कहाँ है, महंगाई है। मोदी जी कह रहे हैं सबका विकास सबका साथ। राम मंदिर बनने से फायदा हुआ? राम मंदिर बनने से फायदा हुआ है साहब, सबको हुआ है, जिसको नहीं हुआ वो उससे पूछो आप। लग रहा है इस बार पॉलिटिकल माहौल यहाँ पर? पॉलिटिकल माहौल बढ़िया है, अच्छा है। काम धंधा चल रहा है? काम धंधा तो सो सो है। केंद्र सरकार के काम से खुश हैं आप? मोदी जी के काम से ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार ग्वालियर में, भरत सिंह कुशवाहा या पाठक जी? अब तो चुनावी माहौल है साहब, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके लिए बेहतर कौन? हमारे तो सभी बढ़िया हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रवीण भैया भी अपने ही है और भरत सिंह भी अपने ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री बनते हुए? नहीं, प्रधानमंत्री तो मोदी जी बने, वही ज़्यादा बेस्ट है। मोदी जी बने? हाँ वही बेस्ट है। लेकिन लोकल लेवल पर अपने प्रत्याशी होता है सभी का? जो प्रत्याशी अब प्रवीण भैया की बात करें तो वो तो हमारे इर्द गिर्द ही हैं और भरत सिंह जी थोड़े से दूर हैं। मतलब धंधा चल रहा है सही? काम धंधा बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। मोदी जी काम से खुश हैं? मोदी योगी दोनों के काम से खुश है। दोनों के काम से खुश है। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में माहौल? मोदी हाँ, भरत सिंह कुशवाहा आएगा? आएगा हाँ। अरे गेरे नत्ती गेरे कोई नहीं आएगा।
मोदी जी काम से खुश हैं आप? बिल्कुल। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा? राहुल गांधी कौन है जी? राहुल गांधी को हम नहीं जानते। आप राहुल गांधी को नहीं जानते हैं? जी नहीं। क्या नाम हो गया आपका? गौतम। गौतम। गौतम क्या काम करते हैं आप? टमटम चलाता हूँ। टमटम चलाते हैं, काम चलता है टमटम का? सही नहीं, बढ़िया चल रहा है अभी तो हाल फिलहाल। तो क्या मोदी जी के काम से भी खुश हैं आप? बढ़िया है। बढ़िया। तो क्या लग रहा है ग्वालियर का माहौल इस बार? देखते हैं क्या होता है आगे। काम चल रहा है टमटम का? सही। हाँ टमटम चल रहा है, लेकिन यहाँ क्या थोड़ा दम दुखी है। हाँ इस बात से दुखी है। तो क्या यहाँ का जो शासन है ना, वो थोड़ा हम पे सख्ती करता है। हम पे एक तो धंधा नहीं करने देता चौराहे पे। हाँ मेन चौराहे से हमारा धंधा, सवारी जो मिलती है हमें चौराहे से मिलती है। आप लोग ट्रैफिक जाम करते होंगे? नहीं, ट्रैफिक कोई जाम नहीं करते। क्या है जो नए नए आते हैं वो लोग ही ट्रैफिक जाम करते हैं। हम तो अपनी साइड में लगाते हैं बस, उससे और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मोदी की सरकार से हम बहुत खुश हैं। मोदी जी काम से कोई दिक्कत नहीं है। इस बार भी हम चाहते हैं कि मोदी जी इस बार फिर आए। हाँ पूरा पक्का है मोदी जी आएंगे। मुझे भी लगता नहीं है, कन्फर्म है। कन्फर्म है मोदी जी? मोदी सरकार ही है। 400 पार वाला नाटा पूरा पूरा मोदी सरकार है। सील लग गई वो तो। क्या काम कर रहे हैं आप? मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। मोदी जी का सब काम से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। मोदी जी को जानते हो आप? हाँ। क्या चीज़ है वो? वो हमारे देश के रक्षक। क्या चीज़ है वो? हमारे देश को संभालते हैं मोदी जी। मोदी जी संभालते हैं? मोदी जी नहीं है तो समझ लो देश नहीं है। क्या लग रहा है इस बार पॉलिटिकल माहौल यहाँ का, कौन जीत रहा है? जहाँ पर बीजेपी। बीजेपी बिल्कुल 100%। 100% 400 पार? 400 पार 500 पार ही गिरे चाहे हम तो कह रहे हैं। 400 पार तो गिरनी गिरनी है, कोई रुक रहा। बीजेपी काम से खुश हैं आप? बहुत खुश हैं उनके काम से तो। अच्छा खुश है। वोट डालते हो? हाँ। बहुत अच्छा। पूरा मतलब लोग चाहते हैं 400 पार हो जाए? 400 पार होना ही चाहिए। पॉलिटिकल माहौल तो एक ही है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। खुश हैं उनके काम से आप लोग? बिल्कुल खुश हैं साहब, खुद उनके खुद से रोजगार मिल भी रहा है। और अब वो नहीं होंगे तो हमें इतना रोजगार भी नहीं मिलेगा। हम तो ये चाहते हैं सरकार किसी की भी बने, लेकिन हमें रोजगार मिलता रहे। अगर हम खुश हैं तो सरकार खुश रहेगी। बोल लेंगे तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मिल क्या रहा है ये तो बताएं आप मुझे। क्या दे दिया अभी तक राहुल गांधी जी ने? आप बता दीजिए मुझे क्या दे दिया। कांग्रेस का कोई प्रत्याशी जीत जाता या हो जाता तो कोई ध्यान देता है? इन बेचारे ये डूबने बैठ के अपना रोजगार कर रहे हैं, किसने दे दिया? आज ये कम से कम बीजेपी के लोगों के कहने से कम से ये लगा तो है, चल तो रहा है। माननीय माधवराव सिंधिया जी के पुत्र श्री ज्योतिराज सिंधिया जी के उसकी है तो उनके मार्गदर्शन से ये काम चल रहा है। क्या लग रहा है माहौल इस बार पॉलिटिकल? बीजेपी। बीजेपी मोदी जी काम से खुश हैं आप लोग? हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो तो। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महाराज के काम से खुश हैं? महाराज के काम? हम महाराज के काम से खुश हैं, क्योंकि हमें रोजगार मिल रहा है। मोदी जी काम से खुश हैं आप लोग? मोदी जी को मालूम हो, जब तो मालूम हो। मोदी को क्या मालूम है यहाँ क्या हो रहा है, नीचे शासन क्या हो रहा है, क्या कर रहा है? नहीं उनके काम से खुश हैं, वो जो काम कर रहे हैं। हाँ उनके काम से तो खुश है ना, लेकिन जी है उसके साथ में व्यापार भी तो चलना चाहिए ना। छोटे गरीब आदमी का, बीच के स्थल का आदमी का जरा व्यापार भी तो होना चाहिए ना। अब स्मार्ट सिटी के तहत मतलब पूरा रोजगारी अगर चला जाएगा तो फिर गरीब आदमी खाएगा क्या? क्या लग रहा है इस बार माहौल ग्वालियर का, कौन जीत रहा है यहाँ से? अब ये तो देखो हार, अब मोदी जी तो फिर मोदी ही है वो तो, फिर एक तो आना तो फिर वही है। मतलब उनको भी तो थोड़ा मतलब ये है ना कि मतलब व्यापार ख़त्म नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, उसके साथ साथ मतलब थोड़ा हमारा भी तो चलना चाहिए, गरीब आदमी का जो पेट पालन चलता है। बीजेपी जीतेगी ना? बीजेपी। अब अच्छा है ना, हमारा काम बढ़िया है, हम तो बीजेपी को ही चाहते हैं। नहीं नहीं करा क्या 70 साल में राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने करा के खा गई देश को। आगे कर तो रहा बेचारा अगला आदमी। महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। बीजेपी जीतेगा मोदी? मोदी जी काम से खुश हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेट है, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है मोदी। क्या लग रहा है इस बार भाजपा? बिल्कुल 110%। 400 पार जाएगा इस बार पक्का। मोदी से खुश है, सनातन धर्म बचा के रखा हुआ है हमारा, बाकी सब कुछ बचा रखा हुआ है। कहीं देश में आतंक नहीं होता, कोई उधम नहीं होता। कोई दूसरा देश का व्यक्ति आने से मैं सोचता है कि इधर उधम करना है कि नहीं करना, आते ही नहीं है। अब तो जब से मोदी की सरकार है, जब से बम ब्लास्ट वगैरह सब कम हो गए, कोई दंगा ही नहीं होता। चीन जैसा देश तो सही बात है, मोदी जैसा हमें प्रधानमंत्री मिला हमारे सौभाग्य की बात है। ये चीज़ राहुल गांधी नहीं बनेगा? राहुल गांधी को पसंद करते हैं, पर 70 साल के रिकॉर्ड में देखा जाए तो ऐसा कोई काम नहीं है कि हम बता सकें कि कोई ये काम हो कांग्रेस वालों का।
अपन ने 10 साल से देख रहे हैं, जो काम ऐसे कहीं हैं कि हम बता सकते हैं अपने कितने काम हैं कितने काम नहीं हैं बीजेपी के। आप ही पूछ लो, कोई बुजुर्ग से पूछो, कोई 50 साल का हो, उनने तो राजनीति देखी है बहुत पहले से। हमें तो ये है कि चलो 10-15 साल से याद होगा जो भी चाहिए, जो हमें 15 साल से याद है हम वो भी बता सकते हैं कितने काम देखें बीजेपी। इसलिए बीजेपी पसंद है ना कि किसी कोई पार्टी वाले होते तो एक बात अलग होती है, बात बीजेपी के काम है, काम से पसंद है कोई काम दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। सत्येंद्र सर, क्या लग रहा माहौल इस बार पॉलिटिकल्स में? तो हमेशा मैं तो ये मोदी के नाम से अगर कोई गधा भी खड़ा होगा ना वो भी जीत जाएगा। ये तो इंसान है, वो जो भी इंसान कैंडिडेट खड़ा हुआ है ना एजुकेटेड है अच्छा है, मोदी के नाम पे कोई भी जीत जाएगा। अरे मैं ये कहता हूँ पूरा इंडिया में मैं तो एक तरफा, मैं हमेशा कभी भी, मेरा मानना है जब से बीजेपी आई मैं ये ना बीजेपी खाने को देती ना कांग्रेस खाने को देती, मैं एक दूसरे पक्ष का नेता हूँ, मुझे जो हिंदुत्व का है उसका मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं तो हमेशा से, हमारा क्या, हमारा तो पूर्वज भी जो हम ये जानते हैं केवल हिंदुत्व के लिए जागेगा वो हमेशा आगे वही राज करेगा इंडिया में। अब तो ये ग्वालियर का नवनिर्मित एयरपोर्ट है और इसका उद्घाटन पिछले कुछ महीनों पहले ही किया गया था। खुद जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का, क्योंकि ये क्षेत्र है गृह राज्य है, तो ऐसे में उनके लिए ये एयरपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण था और ख़ास तौर से जो ग्वालियर के आम लोग हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल ये एयरपोर्ट हो रहा है। और इस वक्त मैं ग्वालियर एयरपोर्ट पर उन लोगों के साथ मौजूद हूँ जो इस एयरपोर्ट बनने के बाद अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर टैक्सी चलाते हैं। ये सभी टैक्सी चालक हैं और यहाँ पर जब से एयरपोर्ट बना है तब से टैक्सी चलाते हैं, तो इनसे जानेंगे क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव है इस बार क्या माहौल है ग्वालियर में और खास तौर से इस एयरपोर्ट के चालू होने से इनकी रोजी रोटी में कितना फर्क हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौतम शर्मा। कब से आप टैक्सी चला रहे हैं? 4 साल से सर। 4 साल से इस एयरपोर्ट पे? बिल्कुल परमानेंट। हाँ जी, नया एयरपोर्ट बनने से फायदा हुआ? बहुत काफी फायदा है, रोजी रोटी में आगे विकास, हम लोगों को जो भी आमदनी और स्रोत आगे बढ़ रहा है, हम लोगों का बढ़ रहा है सर। मतलब मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद सर, कोटि कोटि धन्यवाद। जितना उनसे बोला जाए उससे भी ज़्यादा धन्यवाद, जितना भी बोला मन तन मन धन से भी हम उन्हीं के साथ हैं। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल चुनाव है? माल टोटल बीजेपी सर, 400 पार बीजेपी, राम राज के हैं, राम राज ही करेंगे और राम राज ही रहेगा परमानेंट। हाँ जी सर, कोई नहीं यहाँ दिमाग में ही नहीं है दूर दूर तक गंदगी यहाँ। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं। राहुल गांधी वो तो आपको पता, उसका प्यारा नाम है पप्पू, वो कभी नहीं आ सकता सर। उसका नाम वो आलू में से सोना निकालता, कभी लेटरिंग के पॉट से क्या निकालता, कुछ भरोसा ही नहीं है उसका। तो हमारे मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, हमारे नितिन गडकरी जी ने ऐसी रोड़े बनाई हैं, झांसी तक जाने में हमको 2-2 घंटा 4-4 घंटा लगता है, 1 घंटे 20 मिनट में पहुँचते हैं हम लोग। सीपरी जाने में 6 घंटा लगता था, 2 घंटे में पहुँचते हैं हम लोग। हम लोगों का हमारा समय बचता, हमारी गाड़ियों का टूट फूट बचती है, सभी चीज़ बचती है हम लोगों की। सिंधिया जी एयरपोर्ट पर, सिंधिया जी ने हमारे विकास, हमारे ग्वालियर को ऐसी सौगात दी है जिससे हमारे हर भाई को कुछ, जिसकी आमदनी 10 रुपए थी आज 100 रुपए हो चुकी है। क्या नाम हुआ आपका? रवि पाठक। आप भी मतलब टैक्सी चलाते हैं? यस। कब से आप? 22 इयर्स। अभी आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? यही बोल रहे थे कि पहले जो है 1500 में जाते थे, अब 4500 रुपए टैक्सी के मिलते हैं यहाँ से झांसी के, और ओरछा के 16500 मिलते हैं। एयरपोर्ट बनने से खुश हैं? बहुत बिजनेस है इस समय, हम जो समझ लो 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। पहले कमाते थे 40,000-50,000, अब कमाते हैं 2 लाख रुपए महीना। एयरपोर्ट का विकास हुआ है, अभी फ्लाइट और चालू हो रही है, हमारा बिजनेस बहुत ऊपर चला जाएगा। मतलब चुनाव है तो क्या लग रहा है? चुनाव के माहौल में तो अब की बार 400 पार, एक ही है नारा 400 पार, मोदी 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 और कोई नहीं। नो इंडिया दूर दूर तक नहीं है सर, दूर दूर तक शेर का शिकार कर रहे हो, जो गीदड़ सारे इकट्ठे होकर एक शेर का शिकार कर रहे हो उनको क्या, शेर शेर ही रहता है वो। उसने राम मंदिर को देख लीजिए, ज्ञान व्यापी को देख लीजिए, किसी चीज़ को देख लीजिए, धारा 400-370 को देख लीजिए, ये छोटे छोटे तलाक को देख लीजिए, सारी चीज़ें उनने इस तरीके से की है कि हमारे देश की, हम लोगों को ये पता चल गया कि देश की अखंडता और शक्ति क्या होती है। एयरपोर्ट बनने से फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं है, जो जैसा था वैसा ही है, और एयरपोर्ट बनने से किसी टैक्सी या वाल फालतू की बातें हैं, जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं है। एयरपोर्ट बनने से विकास कोई कोई विकास नहीं है, आदमी जहाँ के तहाँ है। हाँ ये जरूर कि आसपास के लोगों की आमदनी बढ़ गई,
लेकिन ऑटो टैक्सी वालों की कोई आमदनी नहीं। एयरपोर्ट बनने से तो विकास तो हुआ ना, इतना बड़ा एयरपोर्ट बना, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बाकी कुछ टैक्सी वाले आपका नहीं हो रहा, मतलब इसका मतलब सब हम परमानेंट यहीं चला रहे हैं, तो हम झूठ थोड़ी बोलेंगे, हम तो परमानेंट यहीं गाड़ी चले बैठे, पूछ लो सबसे इनके साथ में गाड़ी चलाता हूँ, ऑटो ऑटो चला। विकास हुआ है ग्वालियर में? विकास तो बढ़िया हुआ है, पर धंधो ना देखो विकास का, पैसा नहीं कमे रहा, पैसा नहीं कमा, हाँ पैसा मिले बस तो काम चलेगा। एयरपोर्ट बनने से खुश है ना? हाँ वैसे तो खुश है, दुखी नहीं है। कौन जीतेगा फिर ग्वालियर से? हाँ। जीती तो सर बीजेपी आएगी। बीजेपी? हाँ बीजेपी आएगी। मतलब बीजेपी काम से, मोदी जी काम से खुश हैं आप लोग? काम से हाँ बीजेपी मोदी जी के काम से तो खुश हैं, लेकिन और उनके जो नीचे वाले चमचे बस ना उनसे खुश नहीं है। नीचे वाले चमचे नहीं, हाँ बस ना एक ही आदमी है मोदी, तो बस वोट जाता है मोदी के ऊपर जाता है। कब से गाड़ी चला रहे हैं आप? मुझे कम से कम 3 साल हो गई सर। इनकम बढ़ा है एयरपोर्ट बनने से? एयरपोर्ट बनने से कोई इनकम तो बढ़ा नहीं है सब, एयरपोर्ट बनने से विकास हुआ। हाँ विकास, हाँ हाँ विकास हुआ है, आगे भी लग रहा है तरक्की होगी जरूर, ज़्यादा फ्लाइटों की संख्या बढ़ेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे इतने गरीब भाइयों के इतना ही बढ़ेगा जो भी है कार्य, मतलब उनको कार्य मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में माहौल? यही है कि बीजेपी आएगी। अच्छा बीजेपी को नहीं, मोदी जी? हाँ मोदी जी को वोट जा रहा है, मोदी जी का चेहरा देख के वोट जा रहा है ये, और बीजेपी को नहीं जा रहा वोट, मोदी जी को बीजेपी का वोट जा रहा है बजे। और यहाँ के जो आदमी है ना वो ऐसे ही है, वैसे सही नहीं है बीजेपी। हाँ बीजेपी आदमी सही नहीं है, आ रहा हुआ कैंडिडेट है जी। कुशवाहा जी को नहीं जानते? नहीं जानते हैं, कैंडिडेट आ रहा हुआ कैंडिडेट विधायक का जो चुनाव आ चुका उसको सांसद का चुनाव लड़ा रहे हैं, ये मोदी जी के फेस पे ही चुनाव है बस, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ तो ऐसा सिस्टम है कि अगर यहाँ पे किसी को भी मतलब यहाँ के पेड़ को भी खड़ा कर देना मोदी जी का नाम देके तो वो भी 400 ऊपर है, आप समझ गए होंगे। इसके अलावा आप क्या हुए, सिर्फ मोदी जी का ही फेस है, चाहे यहाँ कोई भी खड़ा हो जाए उसकी कोई समस्या नहीं, सिर्फ मोदी जी है। साफ तौर से इन लोगों का कहना है कि मोदी जी के नाम पर ये लोग किसी को भी वोट दे सकते हैं, ये प्रत्याशी नहीं देख रहे आंख बंद करके, कुछ और लोग हैं ये सब भी इधर ही काम करते हैं, टैक्सी चलाते, बातचीत करें। आप क्या काम करते हैं? पार्किंग का काम करते हैं। एयरपोर्ट बनने से फायदा हुआ? कुछ नहीं सर, क्या फायदा है, देख रहे हो आप बहुत स्थिति खराब है। फ्लाइट सर आने वाले समय मुझे नहीं लगता यहाँ पड़ेंगी, क्योंकि देख रहे हैं पैसेंजर ही नहीं आता है फ्लाइटों में।